हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूट टॉप देखने को शुरुआत की है। और ये वीडियो में हम रेडिश यानी मूली कैसे उगाते हैं इसकी पूरी विस्तार में विधि देखने वाले हैं। मतलब प्रोपोगेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक हम पूरी आपको सिचुएशन यहाँ पर दिखाने वाले हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाया करेंगे। और इसके बाद हमारा मोस्ट डिमांडिंग वीडियो हल्दी कैसे वो लगाते हैं, साथ ही साथ इसकी हार्वेस्टिंग जो कि पूरी अभी हो चुकी है, मतलब हल्दी नीचे बन चुकी है, तो ये भी जल्दी वीडियो पर आने वाला है। तो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन करके रखिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम जब डालें तो आपको पहले मिल जाए। और अब बढ़ते हैं आगे और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज सीजन ऑफ ग्रोइंग। विंटर इज बेस्ट सीजन टू ग्रो रेडिश। इसका मतलब ठंडी के दिनों में मूली अच्छे से हो जाती है। इसका यही एक प्रॉपर तरीका है और रीज़न भी। ठंडी के दिनों में मूली एवं गाजर जैसे जो कंद वर्गीय जो पौधे या फिर जिसे छोटे प्लांट कह लीजिए, वो ठंडी के सीजन में अच्छे से बढ़ जाते हैं। सितंबर महीने से आप मूली को लगाना शुरू कर सकते हैं और अपने फरवरी महीने तक यानी जो फेब्रुवरी होती है उसके दिनों तक आप मूली लगा सकते हैं, जो कि आपको प्रॉपर रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि ये ठंडी के महीने होते हैं। गर्मी के सीजन में भी कहीं कहीं प्रदेशों में मूली लगती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगती, लेकिन उसका साइज एवं उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। द बेस्ट टेम्परेचर फॉर द रेडिश एवं कैरेट इज 20 to 30 degrees Celsius। मतलब जब हम कैरेट या फिर बीटरूट जैसी और पालक जैसी सब्जियाँ उगाते हैं तो इसे आइडल टेम्परेचर 20 to 30 degrees जब होता है तब ये बेस्ट ग्रो करती है और अपना 100% भी देती है। तो हमारे गार्डनिंग के एक्सपीरियंस से ये सभी जो वेजिटेबल होते हैं यानी कंद वर्गीय, वो हमें ठंडी के सीजन में ही ग्रो करनी चाहिए। यही हमारा तजुर्बा है और यही लाजमी भी। मूली लगाने के लिए हमें कैसी मिट्टी तैयार करनी है ताकि हमें अच्छे से पैदावार मिल सके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रिपरेशन ऑफ दिस सॉइल। जो भी कंद वर्गीय प्लांट एवं जो वनस्पति या फिर जिसे फल वाली सब्जी भी कह सकते हैं, जो कि हमारी भुरभुरी मिट्टी में अच्छी होती है, ये देखिए यहाँ पर हम आपको मिट्टी दिखाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। प्लायर की मदद से ये मिट्टी आप देख सकते हैं कि कितनी भुरभुरी है। मतलब आपके पास अगर चिकनाहट वाली मिट्टी है तो इसे 30 to 40% वर्मी कंपोस्ट और बचे हुए मात्रा में सैंड मिलाकर इसे अच्छे से भुरभुरी बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमने प्लायर की मदद से आपको दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ पर जो मिट्टी है कितनी भुरभुरी है और उसके साथ में यहाँ पर मूली कितनी प्रॉपर हुई है। अगर आप प्रॉपर सीजन में मूली लगाते हैं तो कम कंपोस्ट में भी ये अच्छा प्रोडक्शन हमें दे देती है और इसका आकार भी अच्छे से बढ़ जाता है। ये देखिए यहाँ पर सभी मूलियाँ 1-1 इंच ऊपर आ चुकी है। इसका मतलब है कि ये नीचे जमीन को टच कर गई है या फिर जो हमारी ग्रो बैक होती है वहाँ तक नीचे पहुँच गई है और अब ये ऊपर आगे बढ़ेंगी और नीचे इसकी साइज भी ग्रो होंगी। और सभी जो मूलियाँ लगी है इसका डिस्टेंस 2 या 3 इंच दूर दूर है, मतलब इसका प्रॉपर ग्रोथ यहाँ पर हुआ है। 50% ब्लैक गार्डन सॉइल, 25% वर्मी कंपोस्ट एंड नाउ दी 25% रिमेनिंग रिवर सैंड इज द बेस्ट प्रोपोर्शन फॉर द ग्रोथ ऑफ द रेडिश एज वेल एज कैरेट। गार्डन में जब भुरभुरी मिट्टी होती है तो उन टाइम या फिर उस समय तक पौधा अच्छे से ग्रो करता है। मतलब यहाँ पर पानी का निकास अच्छे से हो जाता है, मतलब वेल ड्रेन ऑफ वाटर, और जो इसके रूट होते हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं। यहाँ पर रूट में एरिएशन अच्छे से हो जाता है, मतलब जो हमारी एयर है वो वहाँ तक प्रॉपर पहुँच जाती है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने कवर कर दिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट है केयर ऑफ द सीडलिंग। ये बिल्कुल यूनिक पॉइंट है जो कि हमने पहली बार वीडियो में आपके साथ साझा किया है। इसके पहले हमने इसके बारे में कभी भी साझा नहीं किया था। ये हमारा जाती तजुर्बा है कि अभी सीडलिंग की केयर हमें कैसी करनी है ताकि हमें प्रॉपर ग्रोथ मिल सके, और यही जो है आपके मूली का भविष्य भी तय करेंगी। तो ये देखिए, जब हम सीड बोते हैं तब छोटे छोटे पौधे 4 या 5 दिन में निकलते आते हैं। ये हमारे 7 या 8 दिन के पौधे, तो देखिए
जब पौध अच्छी सी खड़ी हो जाती है तब कोई कोई डंडिया नीचे झुकने लगती है, तो हमें इसे क्या करना है, प्रॉपर मिट्टी से सपोर्ट देना है ताकि मूली बन सके। एक बार मूली बनना शुरू होगी, बाद में इसे कैसा भी पानी आप देंगे तो ये बिल्कुल ही नहीं मुड़ेगी, क्योंकि नीचे टैप रूट एवं जो रूट होता है उसका सपोर्ट अच्छे से होता है। तो हमें ये सबसे महत्वपूर्ण टिप आजमाने एवं फॉलो भी करनी है, तभी आपकी मूली अच्छे से बनेगी। सभी इसको आप मिट्टी का सपोर्ट दे सकते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज वाटरिंग। तो पौधे में वाटरिंग क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो कंद वर्गीय पौधे होते हैं उसमें हमें पानी का एक प्रोपोर्शन देना होता है। अगर हम ज़्यादा पानी दें तो नीचे कंद नहीं बनता और ऊपर जो हरी हरी पत्तियाँ होती है वो जल्दी ही बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन कंद का साइज जैसे हमें चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं बन पाता। तो हमें मिट्टी में पानी कब देना है, जब ऊपर की मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाए एवं इसमें नॉर्मल नमी बनी रहे तभी हमें इसको पानी देना है। अगर पानी हम बहुत देंगे तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएंगी और ऊपर ऊपर पौधे तो बहुत बढ़ेंगे लेकिन नीचे इसमें मूली बिल्कुल ही नहीं बनेगी एवं अपनी मूली की साइज छोटी रहेंगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पेस्ट कंट्रोल। वैसे तो सीजन में मूली के पौधे पर कोई भी इलिया एवं सुंडी बिल्कुल ही नहीं आती और ना ही इसमें कोई डिसीज आते हैं। जब हम पानी दें तो पत्ते के ऊपर स्प्रे करेंगे तो इसमें सुंडियाँ बिल्कुल ही नहीं आती, लेकिन हमें 15 दिन के अंतराल में 5 ml नीम ऑयल जो कि आपको 1 liter वाटर में अच्छे से मिला के फिर स्प्रे करना है। अगर आपके पास ओरिजिनल नीम ऑयल नहीं है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर नीम ऑयल ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपको 100% ऑर्गेनिक एवं शुद्ध नीम ऑयल मिलेगा जो कि आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। मार्केट में बहुत सारे नीम ऑयल मिल जाते हैं लेकिन वो केमिकल से बने होते हैं और उस पर ऑर्गेनिक की कोई भी मात्रा नहीं होती। तो हमें 15 दिन के अंतराल में एक स्प्रे करना है ताकि हमें पेस्ट से कंट्रोल मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप नीम ऑयल का छिड़काव नहीं करना चाहते तो पानी की फौचार इस पर अच्छे से करें और एवं यहाँ पर पीले ट्रैप भी लगा सकते हैं, जो कि येलो ट्रैप होते हैं जो कुछ नॉर्मल मक्खी या फिर मच्छर होते हैं उनको अट्रैक्ट कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फर्टिलाइजर। ये देखिए हमने साथ ही साथ यहाँ पर हार्वेस्टिंग की है और आगे भी करने वाले हैं। तो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर आप इसको दे, क्योंकि जब मिट्टी बनाते हैं जब इसमें वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो इसमें फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होती। ये देखिए हमने अच्छे से मूली धो दी, खाने से पहले इसे अच्छे से धो दीजिए ताकि इस पर कोई भी फंगस एवं जो भी मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं वहाँ से अच्छे से निकल जाए। मूली की फसल 40 दिन में हो जाती है। आपको मूली के सीड चाहिए तो आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं या फिर लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं, जहां पर आपको शुद्ध सीड मिले वहीं से आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर हैं जिनको प्रॉपर सीड नहीं मिल पाते तो वो वहाँ से सीड खरीद सकते हैं। अब क्या होता है कि हमें हार्वेस्टिंग कब करनी है, आप मूली का प्लॉट ये देखिए, रेड मूली कितनी अच्छे से दिख रही है। तो जब मूली का प्लॉट आप लगाते हैं तो 40 दिन के अंतराल में दूसरा प्लॉट भी लगाते रहिए ताकि मूली की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो सके। जब एक मूली निकाल कर देख लीजिए 40 दिन के बाद, अगर वो उसका प्रॉपर साइज हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका प्लॉट तैयार है और मूली के काबिल, हार्वेस्टिंग के काबिल हो गया है। तो सभी इंफॉर्मेशन जो भी पॉसिबल होती है हमने ये वीडियो में कवर की है, और आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप देखा करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो डेप्थ होती है वो 1 feet है, आप जितना ज़्यादा डेप्थ रखेंगे मूली आपकी उतनी ही अच्छी होगी। अगर आपके पास मिट्टी का प्रोपोर्शन कम होता है तो नीचे ड्राई लीफ डाल दीजिए इसके ऊपर मिट्टी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।